आपका एक बार फिर से चुन चुन जा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके बहुत काम के आने वाली है, क्योंकि अगर आप भी चाहते हो कि घर पे चाट बनाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले ले लेंगे कढ़ाई, या कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तेल डालने के बाद जब गर्म हो जाए तो ताकि हम डाल देंगे तेजपत्ता। तेजपत्ता के बाद हम डालेंगे जीरा। जीरा के बाद डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब डाल रही हूँ अदरक और लहसुन के पेस्ट। ये जब ब्राउन हो जाएंगे तब थोड़ा सा ब्राउन हो गए, अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे प्याज। अब ये प्याज हमारे थोड़ा सा ब्राउन हो गया, अब इसमें डाल देंगे टमाटर। ये मैंने हल्दी ले लिए, धनिया पाउडर ले लिए और मिर्च पाउडर ले लिए, थोड़ा सा स्वाद अनुसार गर्म मसाला भी, स्वाद अनुसार नमक भी ले लिए, और इसको हमने अब इसमें डाल देंगे। अब ये मेरा छोला भिंगने के लिए दिए थे, भिंगने के बाद थोड़ा सा उबाल दिए। उबालने के बाद ये मसाला मेरी रेडी हो गया, अब ये इसमें डाल देंगे। ये मैंने टिक्की का छोला तैयार कर लिया। ये हमने इसमें जीरा डाल दिए। जीरा के बाद थोड़ा सा कसूरी मेथी और मटर। ये मैंने जीरा के बाद मटर डाल दिए। मटर थोड़ा सा मटर डालने के बाद टोटल इसमें हम मसाला डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद मिर्च पाउडर डाल दिए। धनिया पाउडर डाल दिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। जीरा को मैंने भून के रख के रखी थी और इसमें थोड़ा सा डाल दिए, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दिए। स्वाद अनुसार थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिए। उबला हुआ मैंने आलू उबाल लिया। उबला हुआ आलू को मैंने करछुल से ऐसे करके मिला लिया। इसमें सारा आलू जो मैं रखे थे अभी आलू डाल दिए। अच्छे तरीके से इसको भूज लिए। भूजने के बाद अच्छे तरीके से मिल गया। इसमें मसाला तो पहले तैयार थे, इसमें आलू डाल के इसमें बढ़िया से मिला दिए। समोसा का चोखा तैयार कर रही हूँ। ये इसमें जीरा डाल दिया थोड़ा सा, साबुत धनिया डाल दिए। इसमें हरी मिर्ची कटी हुई डाल दिए, हरी मिर्ची इसमें डाल दिए कटी हुई, और ये अदरक और लहसुन के पेस्ट डाल दिए।
टमाटर भी डाल दिए इसमें। थोड़ा सा मटर भी डाल दिए इसमें। थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने मसाला रखे थे तैयार, फिर मसाला थोड़ा डाल दिया। अच्छे तरीका से इसको मिला लिए। ये मेरे समोसा के अंदर की चोखा तैयार हो गए। आरा रोट हो तो आरा रोट, ना आरा रोट हो तो चावल की आटा, चावल की आटा उसी को पाउडर नहीं होगा तो डाल देना है ये चोखा में। ये टिक्की का हमने अंदर में जो भरेंगे उसका गोला बना रही हूँ। आलू रखी हूँ, ये मसाला वाला रखी हूँ, अब इसके अंदर हमने इसको डाल देंगे। सब इसको हम इसको इसमें डाल देंगे। अब ये टिक्की इसमें एक एक करके डाल देंगे। अब सारा टिक्की मेरे रेडी हो जाएंगे। लिट्टी मेरे तैयार हो गए और ये छोला हो गया, ये छोला और ये दही भी हो गए और ये हरी चटनी, ये खट्टी वाली चटनी और लाल चटनी भी रखी हूँ और ये समोसा। इसी पे अब देखिए कैसे डाल के हम लोग खाएंगे स्वाद से। चम्मच डालते हुए देखा, पहले दिए काला नमक, अब दे रही हूँ चाट मसाला। ये मेरी नाश्ता ये तैयार हो गए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अभी अभी नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी नई नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे आपको चुन चुन झा किचन रेसिपी के चैनल पे। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।